कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर नेता जनता को खुश करने में लगा है, वादों के बड़े बड़े पुल बांधकर उनको लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने असम का दौरा किया है। राहुल की चुनावी रैली पर नेडा अध्यक्ष तथा राज्य वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने मजाक के ढंग से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल को यदि सरकार बनाना है तो उनकी सरकार केवल बांग्लादेश में ही बन सकती है, भारत जैसे देश में राहुल की सरकार बिल्कुल नहीं बन सकती। हिमंत ने कहा कि असम में कौन असमिया उनकी बात को सुनेगा और कौन उनकी बात को समझेगा। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत दास के साथ बरपेटा के कनरा सत्र व नारायण दास ठाकुर सत्र सहित दूसरे सत्रों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कर रही है वह भारतीय दर्शन और असमिया के खिलाफ है। उन्होंने करना सत्र के 42 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने और मोइन बाड़ी सत्र को उनके पुराने स्थान पर स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार सत्रों की भूमिका को अतिक्रमण से मुक्त कराएगी। उन्होंने कहा कि सत्रों की जमीन के रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए एक बड़ा गुट षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देगी। इनके जितने भी गलत मंसूबे हैं उनको नापाक करते हुए राज्य सरकार जनता के हित के लिए कार्य करती रहेगी। हम आपको बता दें कि राहुल ने कल असम का दौरा किया और चुनावी रैली निकाली। राहुल ने रैली में भाजपा पर जमकर हमला बोला, साथ ही राहुल ने असमिया का दिल जीतने के लिए कई चुनावी वादे भी किए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तो बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी की हिंसक विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस और हिंदुस्तान की जनता जो प्यार और भाईचारे पर भरोसा करती है। राहुल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भयंकर आक्रमण हो रहा है, आरएसएस के लोग असम के इतिहास, भाषा और जीने के तरीके पर आक्रमण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि असम ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के हर प्रदेश पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। राहुल नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत सुन ले, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट की भाषा कल्चर पर आक्रमण नहीं होने देगी, वो कल्चर को बचाए रखेगी। राहुल ने जनता से गुजारिश करते हुए कहा, सिटीजन बिल को लेकर जब आपको हमारी जरूरत थी तो हम आपके साथ खड़े हुए और कल्चर के खिलाफ एनआरसी बिल को रोका, अब आपकी बारी है। राहुल गांधी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो हर हिंदुस्तानी को एनआरसी में संरक्षण देंगे।